प्रदेश की दूसरी राजधानी में शुमार धर्मशाला में 7.25 करोड़ रुपए की लागत से हेलीपोर्ट निर्माण की कवायद तेज हो गई है। हेलीपोर्ट में 2 हेलीकॉप्टर के लैंड करने की सुविधा होगी। इसके लिए धर्मशाला से 14 किलोमीटर दूर रक्कड़ में 1 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हर एक स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हेलीपोर्ट बनाने की अभी प्रस्ताव है और उसके तहत कांगड़ा जिला में भी एक हेलीपोर्ट बनाया जाना है। रक्कड़ जो धर्मशाला से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ पे एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उसके लिए आज भी माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में थ्रू वीसी जो है सभी डीसीज और डीटीडीज के साथ मीटिंग की गई है और सभी का स्टेटस जो है उसके बारे में जाना गया है। हमारे यहाँ पे जो लैंड हमने डिमार्केट की है और उसमें जो हेलीपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है वो फॉरेस्ट लैंड है, इसलिए फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो केस बनना है उसके बारे में भी जो जितनी भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट किया जा रहा है। इस हेलीपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और साथ में सिक्योरिटी कैबिन और साथ में एक एप्रन जहाँ पे जितना भी जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मेंटेनेंस है, उनकी रिपेयर वगैरह की भी व्यवस्था रहेगी, साथ में रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी रहेगी और जितना भी ज़रूरी होता है एक हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए वो सारी जो स्थितियां हैं वो यहाँ के लिए अच्छी हैं और यहाँ पे लैंड भी एडिक्वेट अवेलेबल है। बात करें तो कितनी लागत जो है इसमें प्रस्तावित है? अभी टेंटेटिव अमाउंट जो है वो लगभग 7.25 करोड़ का जो पीडब्ल्यूडी ने एस्टिमेट दिया है। बाकी अभी कंसल्टेंसी जो हिमाचल सरकार द्वारा आएगी वो पूरी एस्टिमेशन देखेगी, लैंड की स्थिति भी देखेगी कि सॉयल किस तरह की है और उसमें क्या क्या किस तरह से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है उस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट टू वेरिएशन है ये, लेकिन अभी तक जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई है वो 7.25 करोड़ के आसपास है। कितना एरिया प्रस्तावित है और यदि बात करें तो इसमें में कितने हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पर लैंड कर सकते हैं? अभी इसमें लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास जो कि 0.97 मैं कहूँ वो हेक्टेयर इसमें एरिया प्रस्तावित है, इसमें 2 हेलीकॉप्टर्स एट ए टाइम लैंड कर पाएंगे और साथ में जो है वो एपरन की व्यवस्था भी है तो लगभग 3 हेलीकॉप्टर्स को जो है वहाँ सिचुएट किया जा सकता है एक समय पर। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट।